हेलो एवरीवन, इमरान खान और विपक्ष की लड़ाई में अब सेना और पुलिस भी उतर आई है। रात भर जम के कराची में तोड़फोड़ हुआ और फायरिंग हुआ, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट होने वाला है? क्या पाकिस्तान का टुकड़ा होगा? और इंडिया का क्या रोल हो सकता है इसमें? जानने के लिए पूरा वीडियो को देखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखो, पाकिस्तान के 11 अपोजिशन पार्टी का एकजुट हो गए हैं और उसे नाम दिया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, PDM। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इनडायरेक्टली सेना पे निशाना साधते हुए कहा था कि यह लड़ाई हमारी इमरान खान से नहीं है, बल्कि उससे बड़े पावर से है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो लंदन में बैठकर सीधा खुलकर सेना के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि लास्ट इलेक्शन में सेना ने हमें हरवाया था, क्योंकि बाजवा नहीं चाहते थे कि मैं फिर से प्रधानमंत्री बनूं। यह सारा कहानी चालू तब से हुआ जब 19 को PDM का रैली हुआ था कराची में। उसके बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर सफदार अमन, जो मरियम नवाज के हस्बैंड भी हैं, उन्हें कराची पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उनके होटल रूम से। मरियम नवाज ने यह आरोप लगाया कि होटल का दरवाजा तोड़कर उन्हें उठा लिया गया पाक आर्मी और सिंध पुलिस ने मिलकर। PML नवाज के लीडर और फॉर्मर सिंध गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने यह आरोप लगाया कि IG सिंध को किडनैप कर लिया गया था पाक आर्मी के द्वारा, ताकि वो जबरदस्ती केस फाइल कर सके सफदार अमन के खिलाफ। हालांकि बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद अचानक IG सिंध के 10 दिन के छुट्टी पे चले जाने के वजह से और यह तूल पकड़ गया मीडिया और सोशल मीडिया पे। इसका भी कुछ रीज़न है तूल पकड़ने का, क्योंकि कल ही सिंध पुलिस ने कई सारे ट्वीट्स कर डाले और कहा कि 18-19 नवंबर को जो भी इंसिडेंट हुआ था उससे सिंध पुलिस को गहरा झटका लगा है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, ताकि सिंध पुलिस का मनोबल आगे और बना रहे। रात भर कराची में जम के तोड़फोड़ हुआ है। खबर यह भी है कि पाक आर्मी ने सारे पुलिस स्टेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। रात में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ सिंध CM सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध मुस्तफ़ा मेहर के घर जाकर उनसे बात किया और उन्हें भरोसा दिया कि आने वाले समय में सिंध पुलिस के रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी में कोई कमी नहीं आएगा। उसके बाद भुट्टो ने आर्मी चीफ बाजवा से टेलीफोन पे बात किया और उनसे आश्वासन लिया कि सिंध पुलिस पे कोई भी आंच नहीं आना चाहिए। उसके बाद बाजवा ने तुरंत ही ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी सेटअप करने को कहा इस इंसिडेंट को लेके। सिंध CM के साथ बैठक के बाद IG सिंध ने अपने 10 दिन के लिए छुट्टी को रद्द किया और सारे पुलिस ऑफिसर को भी ऑर्डर दिया कि काम पे लौट जाए। देखो, भले ही मामला कुछ अभी शांत करने का कोशिश किया गया हो, लेकिन बाद में यह पक्का है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के सारे लोग पाक आर्मी के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग भी अब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्मी रूल की वजह से पाकिस्तान का कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो रहा है। देखो, ऐसे मामले पे भारत डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली हमको ऐसे लीडर को मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए जो पाक आर्मी के खिलाफ बोलते हैं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छे डेमोक्रेसी का निर्माण हो, क्योंकि भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान में एक सही और अच्छे डेमोक्रेसी का निर्माण हो, ताकि भारत के साथ रिलेशन अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।